हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि हमें किस तरह के प्लांट हैंगिंग प्लांट के लिए तैयार करना है। हमें हैंगिंग प्लांटर में किस तरह की प्लांट लगानी चाहिए। पहले तो पॉर्चुला की प्लांट लगानी चाहिए। पॉर्चुला की प्लांट हैंगिंग प्लांटर से बहुत ही सुंदर होते हैं। ये आपकी है पर्पल हार्ट प्लांट्स। इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। ये काफ़ी सुंदर लगते हैं हैंगिंग के तौर पे, तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो हैंगिंग प्लांटर के तौर पे। ये हैं आपके जबरीना की प्लांट्स। ये डबल सेट में आते हैं। बैक साइड में आपको पर्पल कलर के दिखेंगे और फ्रंट साइड में आपके ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स रखेंगे। देखिए इस तरह के ग्रीन और पर्पल के ऐसे स्ट्रिप्स रहेंगे। आप फॉक्सटेल पाम को भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। जब आप हैंगिंग में लगाते हो हैंगिंग प्लांटर पे, तो ये नीचे की ओर इस तरह से लटकते रहते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो हैंगिंग प्लांटर पे। इस तरह से ये लटकते रहते हैं। आप सनरोज के प्लांट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सनरोज के प्लांट्स जो होती हैं, बेबी सनरोज के प्लांट्स, बहुत ही सुंदर लगते हैं हैंगिंग प्लांटर में। बहुत सुंदर। इसमें छोटे छोटे रेड और पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो हैंगिंग प्लांट पर। आप जेट प्लांट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हैंगिंग प्लांटर पर। ये भी नीचे की ओर लटकते रहते हैं और इसकी कलर, जो लिप्स की कलर है, बहुत ही डार्क ग्रीन होती है और मोटी मोटी सी होती है। काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में, तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स है, ये मरते ही नहीं है, तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप मनी प्लांट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। मनी प्लांट काफ़ी तरह के मिलते हैं। सफ़ेद मनी प्लांट भी आते हैं, ग्रीन मनी प्लांट भी आती है। आप इसे भी हैंगिंग प्लांटर पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरे पास छोटे पत्ते हैं, छोटे पत्ते वाले मनी प्लांट और बड़े पत्ते वाले भी हैं। बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। आप स्पाइडर प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं वो तो काफ़ी सुंदर लगते हैं हैंगिंग प्लांटर पर, क्योंकि इसमें जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं वो प्लांटर के नीचे लटकते रहते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो हैंगिंग प्लांटर पर। फ्रेंड्स, आप छुई मुई के प्लांट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हैंगिंग प्लांटर पर। ये भी नीचे की ओर लटकते रहते हैं और इसमें बहुत ही सुंदर पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह के, ये जो छुई मुई के प्लांट्स हैं, इस तरह के फ्लावर्स आते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी बॉल लिली जो होती है ना, बॉल लिली के फ्लावर्स उसी तरह देखने में आते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैंगिंग प्लांटर पर। बहुत सुंदर लगते हैं ये प्लांट्स। आप अजवाइन के प्लांट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। अजवाइन के जो प्लांट्स हैं वो भी नीचे की ओर लटकते रहते हैं हैंगिंग प्लांटर पर, काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आप किस तरह के प्लांट्स हैंगिंग प्लांटर पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे पास बोगनवेलिया के फ्लावर्स खिले हुए हैं। काफ़ी सारे फ्लावर्स खिले हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। मेरे पास 8 या 10 ऐसे बोगनवेलिया के प्लांट्स हैं, काफ़ी प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स। ओके बाय।